अब इसी इंक्लाइंड प्लेन वाले को हम करेंगे बाय इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। यहाँ पर बॉल रख दीजिए आप, ठीक है। सो पहले लिखेंगे लीनियर इंपल्स इक्वेशन। इसमें कैसे लिखते हैं, पी इनिशियल प्लस जे इज पी फाइनल, दिस इज लीनियर इंपल्स। इनिशियल तो रेस्ट पर थी, और ये क्या होगा, जे नेट फोर्स। सो एक फोर्स तो एम जी साइन थीटा इसको नीचे ले जा रहा है और एक फोर्स फ्रिक्शन पीछे रख रहा है, तो नेट फोर्स क्या हुआ, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इंटू टी विल गिव मी फाइनल मोमेंटम एम वी एफ। अब हम लगाते हैं एंगुलर इंपल्स इक्वेशन। आई थिंक अभी तक तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों इक्वेशन। एंगुलर इंपल्स इक्वेशन लगाइए, अब कैसे करना है, ऑब्वियस सबको पता है, एल आई प्लस जे इज एल एफ, ठीक है। नाउ वी हैव इनिशियली तो ये भी जीरो था, बॉडी तो कोई मोशन नहीं कर रही थी, और ये क्या होता है, टाउ टी इज इक्वल्स टू आई ओमेगा फाइनल, यस और नो। टाउ क्या होता है, एफ इंटू आर, टी इज इक्वल्स टू आई वी एफ बाय आर, एंड आई कैन ऑल्सो यूज एफ टी इज इक्वल्स टू आई वी एफ बाय आर स्क्वेयर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, और हम फर्स्ट खोल लेते हैं ना, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, एम जी साइन थीटा टी माइनस एफ टी इज इक्वल्स टू एम वी एफ, और यहाँ पे एफ टी इज इक्वल्स टू आई वी एफ बाय आर, ठीक है, आर स्क्वायर। ना ये कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, एम जी साइन थीटा टी डिवाइडेड बाय एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी फाइनल। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, एक बार में आ गया। हम मुझे ये मेथड हमेशा से अच्छा लगता है, बेटर लगता है, इंपल्स मोमेंटम मेथड। इसमें दो इक्वेशन लिखो, एट फोर तुरंत आंसर आता है, ठीक है। अभी हमारा फाइनल वेलोसिटी आया, मैंने पहले ही बोला था कि इस मेथड से वेलोसिटी पहले आती है, एक्सेलरेशन बाद में आता है। तो अगले स्टेप पे हम टी से डिवाइड कर देंगे, वो एक्सेलरेशन होगा। आइए इसको ठीक से लिख लेते हैं, आफ्टर ऑल आंसर्स तो सेम ही आएंगे, फिर भी लिख लेते हैं ठीक से। तो हमारा वी एफ जो आया है वो आया है एम जी साइन थीटा टी अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, या एक्सेलरेशन में आप टी हटा दो एंड एम भी काट दो, बचेगा जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन।